वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विद मी में। और ये वीडियो बेहद खास है, बेहद खास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए, जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है उसका रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस डिटेल में, ठीक है। और आपका जो है ना SSB उसका पैटर्न वो भी डिटेल में, और उसकी जो मेरिट लिस्ट, मेडिकल एग्जाम, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एनडीए जो एग्जाम है, जो आपका एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है आपकी, इस साल में दो बार एग्जाम कराती है। एक बार तो जनवरी के टाइम में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है और दूसरा होता है जुलाई या अगस्त में, ठीक है। अगस्त में मोस्टली हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी लेटेस्ट में आ रखा है, तो बच्चे जाके उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम सिलेबस इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, एनडीए का जो ये एग्जाम है, इसमें सबसे पहले आपका होता है एक रिटन एग्जाम, ठीक है। एनडीए आप जैसे कि जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। भारत में जितनी भी ग्रुप ए की जॉब है ना, आईएएस पीसीएस दुनियादारी वाली, सब की सब यूपीएससी ही निकालता है। ये वैकेंसी भी यूपीएससी निकालता है और सीडीएस की वैकेंसी भी यूपीएससी ही निकालता है, ठीक है। ये कोई अरे गहरे की वाली नौकरी नहीं है, ग्रुप ए का अधिकारी बनाती है आपको, ठीक है। पे लेवल 10 की मैट्रिक्स का आपको पेमेंट मिलता है। पहले महीने से आपकी तनख्वाह होती है 56,000 से लगा के करीब करीब 60,000 रुपए महीने तक पहले महीने की तनख्वाह होती है आपकी, ठीक है। और बाकी जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है वो बाकी सब अलग से। अब देखते हैं इसका सिलेबस। कुछ मोरल भी आपका होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा काम करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये डोजेस भी जरूरी है। अब देखिए, इसका जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें सबसे पहले आती है गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये होती है आपकी 2.5 घंटे की और 300 नंबर की। और इसके बाद आती है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट आपकी होगी 2.5 घंटे की, 600 नंबर की, ठीक है। तो इस तरह आपके टोटल जो रिटन एग्जाम बना वो 900 नंबर का बना। मैं आपको बताऊंगा कि गणित में क्या आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या आता है, तो सारी चीजें हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इस तरह टोटल जो आपका रिटन एग्जाम का हुआ, आपके टोटल नंबर बने जाके वो 900 नंबर बने। अब इसके बाद एक और आपका एग्जाम होता है जिसे कहते हैं SSB। और सबसे जो है ना अच्छी चीज, और जो है ना सबसे जो ये आपके बताती है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं सिलेक्ट होंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन SSB कई सारे नहीं कर पाते हैं। तो SSB भी आपकी 900 नंबर की होगी। तो इस तरह जो आपका टोटल जो है ना आपका बना जाके 900 नंबर रिटर्न के प्लस 900 नंबर SSB के, तो 9900-1800 नंबर की आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब हम आपको डिटेल सिलेबस सबसे पहले रेट हैं, और इसमें जो है ना बच्चों निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4, 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा, इन द सेंस अगर आपने कोई गलत किया। आगे बढ़ते हैं, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन हो गए, उसके 4 ऑप्शन आपके सही होंगे। अब देखेंगे आपके सबसे पहले गणित में क्या आएगी, जो 300 नंबर की आने वाली है, जिसका पोस्ट कोड है, जिसका कोड है 01। अब देखिए इसमें गणित में सबसे पहले एलजेब्रा आती है। अब देखिए एलजेब्रा में क्या क्या आएगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में यहां से देखिए आप देख सकते हैं एलजेब्रा में क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सेट आएंगे आपके, ठीक है। सेट थ्योरी वगैरह, इससे रिलेटेड चीजें होंगी, और आपके मॉड्यूल्स वगैरह, क्यूब, रूट्स वगैरह, ठीक, बाइनरी सिस्टम वगैरह, अर्थमेटिक जियोमेट्री, ठीक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, लॉगरिथम एंड देयर एप्लीकेशन हो गए एलजेब्रा में। अब इसके बाद और देख सकते हैं हम क्या क्या आएगा, पूरा 12th का आपका सिलेबस है CBSE बोर्ड वाला। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ये आएंगी आपकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको देख सकते हैं अच्छी खासी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स इन डिग्री इन रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके हो गए, ठीक। सम एंड डिफरेंशियल फॉर्मूला जिसे आपने पढ़े होंगे, sin a + b का, sin a - b वगैरह, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, जैसे आप सोचें IIT की तरह आपका एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपके एक जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बड़े आसान से भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टफ ही होते हैं आपके, ठीक है। और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स वगैरह से भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स से क्वेश्चंस रहने वाले। इसके बाद जियोमेट्री एंड 2D और 3D दोनों से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, और एंगल बिटवीन एन लाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, टेन थीटा वगैरह, ये इसेंट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। और आपके जो है ना पैराबोला हो गया, आपके सर्कल हो गया आपका,
ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी, और जो है ना इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और आगे देखते हैं हम। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी पूछी जाएगी, और इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, वेक्टर अलजेब्रा से पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपसे पूछा जाएगा, प्रायिकता जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जो है ना मैथ का सिलेबस अभी बता रहा था। तो इस तरह हमने मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया, 300 नंबर का ये आने वाला है, और जो ये पीडीएफ है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहां से अच्छे से इत्मीनान से बैठ के और देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये आपका 600 नंबर का होगा और ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए आपका बाकी जो चीजें बची हैं आपकी ट्वेल्थ वाली, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, देखिए, और ये नंबर ज्यादा का भी है। तो सबसे पहले इसमें आएगी इंग्लिश, ठीक है, इसमें ग्रामर एंड यूजेस, वोकैबुलरी वगैरह, कंप्रेंशंस वगैरह, ठीक है, ये सारी इंग्लिश के तहत आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और 200 नंबर का आपका इंग्लिश का ये रहने वाला है। अब इसके बाद आप यहां से देखिए जनरल नॉलेज, ये आपके जो है ना 400 नंबर की आपकी ये रहने वाली है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, देखिए क्या क्या, फिजिक्स हो गई आपकी, केमिस्ट्री हो गई आपकी, जनरल साइंस हो गई, सोशल स्टडीज हो गई, और जियोग्राफी हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे खत्म हो गया, इसे मैं बना दूं, करंट इवेंट्स हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जनरल नॉलेज में आने वाली हैं, 400 क्वेश्चंस होंगे इससे, और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखिए फिजिक्स से क्या क्या आने वाला, आप यहां से देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है, मोशन ऑफ सब्जेक्ट, न्यूटन्स के जो बेसिक लॉस हैं, ग्रेविटेशन वगैरह, ठीक है, लेटेंट हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वगैरह, तो इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैग्नेट वगैरह क्या होते हैं, अर्थ एज ए मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ठीक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डीसी करंट, एसी करंट वगैरह, एक्सरेज वगैरह, जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, सिंपल पुलिस का, ठीक है, लीवर्स का, तो ऐसे करके टेलीफोन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह के प्रिंसिपल वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट मिक्सचर, केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में। इसके बाद जनरल साइंस में आप देख सकते हैं, ठीक है, सेल्स वगैरह, टिश्यूज वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे सेक्शन जो आपका डी रहने वाला है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, फाइव ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, और जो अभी 370 हटा है ना, इसे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। 370 क्या था, ये हट गया तो क्या फायदे होंगे, अब क्या क्या आप कर सकते हो, डिटेल में पढ़ देना, जरूर आएगा, ठीक है। जियोग्राफी से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, वेदर वगैरह क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या, इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से कौन सी रेखा निकली है, ये सारी चीज़ें, करेंट इवेंट वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, जो ताज़ा जैसे मैंने 370 बताया। इसके बाद जो है ना आपका आएगा SSB, तो मैंने अभी तक आपको रिटन एग्जाम का डिटेल सिलेबस बताया, और डिटेल में आप जो है ना नीचे देख सकते हो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसमें कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा आपको। पहले हम आपका जो है ना रिटन हो गया, अब आपकी SSB कंप्लीट कराते हैं। तो SSB में क्या आएगा, दो तरह के चरण होते हैं आपको, ठीक है। तो जो पहला चरण होता है, जैसे आप पहले दिन पहुँचोगे वहाँ पर कुछ कागज आपसे भरवाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपका होगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, मैं हाईलाइटर लूँगा, पिक्चर परसेप्शन आपका टेस्ट होगा, फिर उसी के बाद आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन वायर टेस्ट एंड PPDT, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर के ऊपर आपको जो है ना स्टोरी बनानी होगी, और स्टोरी के ऊपर एक आपका ग्रुप डिसीजन टाइप का होगा, ठीक है। ग्रुप डिसीजन में जो है ना कुछ बच्चे ये लोग चूज करते हैं, ठीक है, वहीं पर आपको जो है ना हो सकता है जो आपने स्टोरी बताई आपको नरेट भी करनी पड़े, आपको बतानी भी पड़े, तो इसी के बेस पर पहला दिन हो गया, और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो स्टेज टू के लिए रोके जाएंगे, बाकी वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। अब जो स्टेज टू है बच्चों, ये सबसे जो है ना महान चीज़ है, और कई दिन तक चलने वाली, 2 से 5 दिन तक, करीब करीब 5 दिन तक चलती है स्टेज टू, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स रहेंगे, आपके टास्क दिए जाएंगे, साइकोलॉजी टेस्ट आपके होंगे, कॉन्फ्रेंस आपका होगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO टास्क वगैरह आपके होंगे, ठीक है, कई चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। जैसे मोटी मोटी मैं आपके बता दूँ, जैसे आपका जो है ना इंटरव्यू होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू,
ठीक है, और आपका जो है ना पीपीडीटी होता है इसमें भी एक, ठीक है, और आपका जो है ना लेक्चर यहाँ पर चलेगा, लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह जो है ना आपके जीटीओ टास्क ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह आपका जो है ना सेकेंड स्टेज इनकी में होने वाली है। अब जो बच्चे सेकेंड स्टेज पार हो जाएंगे उन्हें दिया जाएगा SSB रिकमेंडेड का सर्टिफिकेट, मतलब आप SSB रिकमेंड हो गए। अब जो बच्चे इसमें पास हो गए, SSB रिकमेंड हो गए हैं, उन्हें डायरेक्ट वहीं से भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। अब जिन बच्चों का मेडिकल फिट हो जाएंगे, जो बच्चे मेडिकल फिट हो जाएंगे तो उन्हें जो है ना बढ़िया बात, जो अनफिट हो जाएंगे उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन में सुधार कर लीजिए तो आप ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या आएगी आपकी? फाइनल मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट। अब जो बच्चे इस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे वो बच्चे ट्रेनिंग के लिए बुला ले जाएंगे, बशर्ते आप मेडिकल फिट हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका एग्जाम पैटर्न बताया, सिलेबस भी मैंने डिटेल में बताया, और एक जो फ्री एडवाइस दूंगा आपको वो ये एडवाइस है बच्चों कि आप लोग आज से ही, अगर आप NDA में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आज से ही आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू, ठीक है, इसका अंग्रेजी वर्जन, कौन सा वर्जन? इंग्लिश में, ENGLISH में, जो इंग्लिश का द हिंदू न्यूज़पेपर आता है इसे को आज से ही लेना शुरू कर देना है, और आपको इसे पढ़ना धीरे धीरे शुरू करना है, ठीक है। आपको अंग्रेजी पर एक बेहतरीन कमांड होनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए अंग्रेजी बोलने में, अपनी बात समझाने में, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी एक तो लैंग्वेज भी तैयार हो गई अगर आप द हिंदू पढ़ते हो, और जो सोशल की इवेंट है आपको, ठीक है, जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं, जो आपके GD के टॉपिक हैं, जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको लेक्चर में काम आएंगे, वो सारा का सारा द हिंदू आपका कवर करा देगा। अगर आपने आज से ही शुरू कर दिया ना तो आपका रिटन एग्जाम में भी हेल्प होगी, और SSB में तो बहुत ही ज़्यादा आपकी इससे हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो ये फ्री एडवाइस है और इसे आज से ही आपको शुरू करनी। और पढ़ना क्या, एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं कि आप जो है ना अपने पड़ोस वाली घर की खबरें पढ़ने लगो, आप अपने एरिया की खबरें पढ़ने लगो, थोड़ा नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, और अगर कुछ अच्छा होता आपके राज्य वगैरह में तो वो खबरें पढ़नी है, आपके जो ना मुन्ना लाल राधे श्याम वाली खबरें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।